हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक बाय सौरभ। तो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करते हैं मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा हट के होने वाला है, थोड़ा यूट्यूब की तरह से भी होने वाला है। हट के होने वाला है दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर मेरे डुप्लीकेट एक चैनल बन गया है दोस्तों, जिस चैनल पर मेरे हर एक वीडियो को कॉपी करके ऊपर डाला जाता है डाउनलोड करके। तो मैं अब क्या करता हूँ, आज के वीडियो में मैं उसके चैनल पर तो स्ट्राइक भी मारने वाला हूँ और आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे स्ट्राइक भेजा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, जब आपका आप सालों से मेहनत करते हो और अगर उस मेहनत को मतलब कि कोई कॉपी करके अपने चैनल में डाल देते हो, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके वो भी बता दीजिए। दोस्तों, मैं बहुत ही सैड हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब कि मेरा एक एक करके मेरा वीडियो को डाउनलोड किया जा रहा है और उस चैनल पर डाला जा रहा है। तो मैं दोस्तों अब क्या करूँ, मुझे तो स्ट्राइक भेजना ही पड़ेगा, वरना वो मेरा सारे वीडियो को डाल देगा। पर एक गारंटी तो, यूट्यूब उसको कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं देगा क्योंकि वो दोस्तों मेरा कंटेंट कॉपी कर रहा है। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ कैसे स्ट्राइक भेजना है, उसके बाद मैं उसका मैं पहले दिखा देता हूँ कौन सा हो चैनल। तो यूट्यूब पर जाता हूँ। कल जब मैं मेरा चैनल को सर्च कर रहा था तो देख सकते हो ये वाला एक और चैनल आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे नाम का चैनल बना तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं जब चैनल के अंदर गया तो देख लो, मेरा जितने भी वीडियो है सभी यहाँ पर कॉपी करके डाला गया है। देख लो फ्रेंड्स, ये वाला चैनल मेरा सारी वीडियो को कॉपी करके, और मैंने इसके एक वीडियो पर कॉमेंट भी कर दिया था कि मेरा चैनल का लोगो कॉपी कर लिया। तो उसने मेरा चैनल का लोगो को चेंज किया और मेरा चैनल का जो नाम उसने रखा था वो यहाँ पर चेंज कर दिया अभी के लिए। तो देख सकते हो मेरा सारे वीडियो को वो यहाँ पर कॉपी करके ले आया है। देख लो, मेरा चैनल एकदम ऊपर में शो हो रहा है और ये वाला चैनल ये रहा, ये मेरा डुप्लीकेट चैनल है। तो दोस्तों ठीक है, तो पर मैंने मतलब मैं इसने मेरा वीडियो की कॉपी किया, यही क्वेश्चन था। और आज मैं इसके चैनल पर स्ट्राइक मारने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके मैं स्टैग मारने वाला हूँ ये सुनकर आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सालों से मेहनत किया और उस मेहनत को दोस्तों ये अपने हिसाब से डाउनलोड कर रहा है डाल रहा है। अगर मैं भी दोस्तों मेहनत नहीं करके डाउनलोड करके अगर डाल देता तो मैं भी तो क्या नहीं कर सकता था, मैं बस डाउनलोड करता था डाल देता था। पर मैंने मेहनत करके डेली वीडियो बनाकर ये पोजिशन अब तैयार किया। तो ये क्या कर रहा है, मेरा पूरा वीडियो को कॉपी कर रहा है। देख लो, कॉपी करके डाल रहा है। तो चलिए स्टैग मारना कैसे दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद आपको चले जाना है youtube.com पे। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है अपना डैशबोर्ड, मतलब कि डेस्कटॉप साइड में, डैशबोर्ड नहीं दोस्तों youtube.com की ओपन करना है, मतलब कि डेस्कटॉप साइड, डेस्कटॉप व्यू में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और जो बंदा मेरे वीडियो को कॉपी किया ना, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो समझ जाइए मेरा वीडियो को मत कॉपी कीजिए और किसी का भी वीडियो मत कॉपी कीजिए। हो सके तो अपना कंटेंट बनाइए, ठीक है। अगर यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन पाना चाहते हो तो अपना कमेंट पाइए, मतलब कि आपने मेहनत करिए और आपने से वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उस चैनल का नाम सर्च करना है, उसके बाद उस चैनल पर चले जाना है। उसके बाद उसने आपका जिस भी वीडियो को, मेरा ये सारा वीडियो कॉपीड है, तो मैंने इस सारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है। तो जिन्होंने भी देना बाकी था उस पे दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो पे अंदर चले जाना है और आप दोस्तों यही कमेंट करके बता देना कि अगर आपका वीडियो भी ऐसा कॉपी हो तो आप क्या करोगे, गुस्सा होगे या नहीं, बस यही बता देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के, मेरा वीडियो मुझे नहीं देखना है तो चलिए फिर भी देख लेते हैं, ओपन जरूर हो रहा है। ये प्ले करते देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो है कर सकते हैं इजीली। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर एक सीआर का ऑप्शन होगा, सीआर का ऑप्शन नहीं दोस्तों यहाँ पर एकदम कॉर्नर में, चलिए इसे ऑफ कर देते हैं। और पास में जो बेल आइकन है, चलिए अब इस पर स्ट्राइक का सामान में आपको दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, एकदम कॉर्नर में जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है, उसका रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर इन्फ्रिस्ट माइस राइट्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चूज वन पे क्लिक करके, यहाँ पर मेरा वीडियो कॉपीराइट हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन्फ्रिंट माई कॉपीराइट पे क्लिक कर दूँगा। ये सेकंड वाला है, ये वाला, उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट वन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट ए कॉपीराइट क्लाइंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से क्रोम ब्राउज़र, उसके बाद एकदम ऊपर में जो आ रहा है वो वाला नहीं, ये देख सकते हो, ये वाला कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इस कॉपीराइट को ओनर हो, तो चलिए आई एम पे क्लिक कर देते हैं, मतलब कि। उसके बाद आपके यहाँ पर वीडियो का यूआरएल डालने के लिए कह रहा है, जो मतलब कि आपके चैनल से कॉपी किया गया हो, तो चलिए यूट्यूब से ही कॉपी करके ले आते हैं चैनल, मतलब कि वीडियो का यूआरएल। मेरा फेक चैनल आप तो जो दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो अभी मैंने डाला है कॉपीराइट टाइम में, तो डाल देता हूँ ये वाला वीडियो के यूआरएल। उसके बाद आप किस इस वीडियो का किस मतलब कि चीज़ के लेकर आप परेशान हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो ऊपर में ऑप्शन आएगा, माई यूट्यूब वीडियो वॉज री अपलोडेड बाई अनदर यूजर, मतलब कि मेरा वीडियो को कोई दूसरे यूजर ने डाल दिया है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेरा ओरिजिनल वीडियो का यूआरएल डालने के लिए कर रहा है, तो चलिए मैं चलता हूँ मेरे चैनल पे और मेरा ओरिजिनल वीडियो को ले आते हैं। मैं किसी से कॉपी नहीं करता हूँ, मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, तब भी मेरा वीडियो को डाउनलोड करके डाला जा रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों अभी सोचिए। तो मेरा अपलोड्स वाले सेक्शन पर चलते हैं, चलो इतना ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया है और मेरा वीडियो को कॉपी किया जा रहा है, तो चलिए उस वीडियो पर चले जाते हैं। तो मैं से रहा व्यू, मतलब कि वीडियो, मतलब कि इसे मैंने डाला था करीब 4 मंथ्स पहले, तो चलिए इसे शेयर पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मेरा ओरिजिनल वीडियो की यूआरएल यहाँ पर डाल देता हूँ एकदम नीचे वाला इस पर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्या आपके वीडियो को पूरा कॉपी किया गया है, ये वाला पूरा कॉपी किया गया मेरे वीडियो का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद ऑप्शन है कि आपका वीडियो को किस टाइम से लेकर किस टाइम तक यूज़ किया गया, आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर कस्टम थंबनेल, मतलब कि वीडियो का जो थंबनेल है क्या वो कॉपी किया गया है, तो मेरा पूरा वीडियो ही दोस्तों कॉपी किया गया है। मैं अगर ये वीडियो मतलब कि ये चीज़ आपके सामने दोस्तों नहीं करता, पर मैं आपके सामने करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों आपको भी समझना ज़रूरी है कि दोस्तों मेरा पूरा वीडियो को कॉपी किया गया है, इसीलिए दोस्तों मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए दोस्तों कैसे कॉपीराइट टैग भी भेज दे और मेरा डुप्लीकेट चैनल कैसे ये सब करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉपीराइट वार्नर, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ मेरे बारे में फिलअप करना है, तो चलिए सब कुछ फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपना नाम और आप जहाँ भी रहते हो आपका स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पर सिटी एंड आपका जो स्टेट है, यहाँ पर अपना पोस्टल कोड, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम, ये दोनों जगह पर अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको ये जो जितने भी टिक्स है इस सबको पढ़ के टिक कर देना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ऊपर वाले को फिल कर लेते, क्योंकि दोस्तों मैंने फिल करने के बाद आपको दिखा नहीं सकते कि मैंने यहाँ पर क्या फिल किया, क्योंकि दोस्तों पर्सनल मैटर है, तो मैं आपके नीचे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। तो फिर मैंने आपको ऊपर में जो भी कहा था मैंने उस सबको फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जब जैसों को फिलअप करने के लिए कहा था आप सबको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे बाद जो भी टिक मार्क है सबको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, सबको पढ़ने के बाद ही टिक मार्क करिए। उसके बाद यहाँ पर मैं मेरा सिग्नेचर कर देता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर डायरेक्टली वेरीफाई हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी यहाँ पर 2-3 स्ट्राइक भेज चुके जो मेरा वीडियो कॉपी किया गया है, जो चैनल मैंने आपको दिखाया था उस चैनल पे पहले भी मैंने 2-3 स्ट्राइक भेज दिया है और ये मेरा तीसरा स्ट्राइक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब सबमिट कंप्लीट पर क्लिक कर देते हैं। तो
कॉपीराइट स्ट्राइक चला गया। तो फ्रेंड्स अब मेरा गुस्सा थोड़ा उतर गया है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया था दोस्तों, तो अगर उस वीडियो को कॉपी करके डाल दिया गया तो क्या लगता है। तो फ्रेंड्स तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों आज के वीडियो का कोई टॉपिक नहीं था और कुछ भी नहीं था दोस्तों, मैंने बस आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों ईमेल भी आ गया है यूट्यूब की तरफ से, कहा गया देख सकते ईमेल भी आ गया कि आपका कॉन्फर्मेशन हो गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बता देना, और अगर ये बता देना कि अगर आपको वीडियो कोई कॉपी करता है तो आपको क्या क्या लगता है, जो मैंने वीडियो कॉपी किया था ठीक है उसको वो भी कमेंट कर देना। चलिए देख लेते हैं कि कौन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।